अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं अपने किचन में एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाज़ार से आलू ला के तुरंत चिप्स और भुजिया बना सकते हैं, तो आज मैं यही रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड आलू आलू से मैं आज बनाने वाली हूँ क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स और आलू भुजिया नमकीन। तो चलिए फ्रेंड मैं शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 आलू। तो ये चिप्स वाले आलू है, जिसे हम चिप्सोना आलू बोलते हैं, वही आलू है। तो फ्रेंड आप देखोगे ना, इसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पतली रहेगी और ये आलू बहुत ही ज़्यादा सख्त रहेगा, इस दबाने से हमारा आलू दबेगा नहीं। तो ये चिप्सोना आलू होता है, जिसके चिप्स और भुजिया नमकीन बनके रेडी होती है। तो चलिए फ्रेंड इनको अच्छे से हम छील लेंगे और इसके स्लाइस निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लाइसर ले लिया है। तो फ्रेंड स्लाइसर हमें ऐसा लेना है जिससे हमारी पतले पतले चिप्स निकलें। तो यहाँ पर हमें ले लेना है पतले वाला चिप्स बनने का स्लाइसर। तो यहाँ पर मैंने ये वाला स्लाइसर सेलेक्ट किया है, यहाँ इससे मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से चिप्स बन के रेडी होंगी, बिल्कुल पतले पतले। तो फ्रेंड हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे आलू के चिप्स मोटे मोटे बनेंगे ना, फ्राई होने में दिक्कत करेंगे और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे ना क्रिस्पी हो पाएंगे। तो फ्रेंड हमें अपने आलू के स्लाइसर को पतले पतले से रखने। तो आप देख सकते हैं हमारे कितने पतले पतले चिप्स बन के रेडी हुए हैं। तो इसी तरह से हमें सारे चिप्स अपने बना लेने हैं स्लाइसर की मदद से। तो चलिए फ्रेंड फिर से हम बनाना शुरू करेंगे अपने चिप्सों को। तो यहाँ पर हम आपके पास डायरेक्टली पानी में ही चिप्स अपने बनाना शुरू करते हैं। अगर हम पानी में बनाना शुरू करेंगे तो काले नहीं पड़ेंगे और अच्छी तरह से हमारी चिप्स बन के रेडी होंगे। तो आप देख सकते हैं कितने पतले पतले हमारे चिप्स बन के रेडी हुए। इसी तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी बन के रेडी होंगे और बहुत जल्दी फ्राई होंगे, क्रिस्पी इतने होंगे कि आप सभी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हमें कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे हम सूती कपड़े में अपनी सारी चिप्स पे पानी सोख लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सूती कपड़ा बिछा लिया है, उसमें सारी हमने चिप्सों को डाल दिया है सूखने के लिए। तो यहाँ पे हमें ऊपर से एक सूती कपड़ा लेना है और इस तरह से दबा दबा के सारी अपनी चिप्सों को सोख कर लेना है, जितना भी पानी है सारा इसमें सोख हो जाएगा। इस तरह से हम सूती कपड़े से दबा दबा कर पानी को बिल्कुल सुखा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड तब तक हमारे चिप्स का पानी सूखता है, तब तक हम चिप्स का मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में लिया है आधा आधा चम्मच सादा नमक और आधा चम्मच हमने लिया काला नमक और आधा ही चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया और आधा चम्मच हमने लिए कश्मीरी लाल मिर्च। तो फ्रेंड इसको अच्छे से मिलाकर मसाला रेडी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड हम अपनी चिप्स को देख लेंगे, चिप्स हमारी बिल्कुल सूख के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसे फ्राई के लिए डालेंगे कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पर अपनी चिप्सों को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी जो चिप्स है ना वो फ्राई होके तैयार हुई है। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना बहुत ही जल्दी बन जाएंगी। तो ताज़े आलू की हमने चिप्स बना के रेडी किए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हमारी चिप्स बन के रेडी होंगी। तो एक से दो मिनट के अंदर हमारी जो ये चिप्स है ना बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाती हैं, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। तो चलिए इसी तरह से और जो हमारी चिप्स है ना उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी चिप्स बहुत ही जल्दी फ्राई होकर रेडी हो जाती हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स बन के रेडी होंगी। तो यहाँ पर हमने जो हमने मसाला बना के रेडी किया ना वो मसाला छिड़क के थोड़ा सा हम चिप्सों को हिलाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी चिप्स बन के रेडी हुई हैं और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल हाथ में दबाते ही चूरा हो रही है। तो इस तरह से हमारी चिप्स बहुत ही जल्दी बनके रेडी होंगी और अब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी आपको बाहर से चिप्स लाने की, और झटपट से घर में ही बन जाती है ताज़े आलू की क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम आलू के दोबारा से स्लाइस निकालेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बनानी है आलू भुजिया नमकीन। तो यहाँ पर हमें आलू के स्लाइस निकाल के इस तरह से हमें आलू को कट कर लेना है। इस तरह से हम आलू को कट करेंगे ना तो हमारी भुजिया नमकीन बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बन के रेडी होगी। तो इस तरह से हमें पतले पतले आलू को काट लेना है। तो फ्रेंड अगर आप चाहें तो ये थोड़े से मोटे भी कर सकते हैं, इस तरह से काटेंगे तो आप हमारी जो भुजिया नमकीन है बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी होगी। तो इस तरह से हमें आलू के स्लाइस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और फिर से हम इसका पानी सोख करेंगे सूती कपड़े में। तो यहाँ पे हमने अच्छे से वॉश कर लिया और सूती कपड़े में डाल दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसका पानी बिल्कुल साफ कर लेंगे और फिर से हम इनको फ्राई करेंगे, जैसे हमने आलू की चीज़ फ्राई करी थी ना उस तरह से हम आलू भुजिया नमकीन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी हमारी आलू भुजिया नमकीन फ्राई हो रही है। तो फ्रेंड चिप्स के मुकाबले में इसमें 3 से 4 मिनट लग सकते हैं फ्राई होने में, तभी ये क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी भुजिया नमकीन बनके रेडी होगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी भुजिया नमकीन बनके रेडी हो गई, कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए यहाँ पे हमने मूंगफली को भी फ्राई कर लिया है और उसको भी भुजिया नमकीन में ऐड कर दिया। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमने मसाला बना के रेडी किया था ना वो भी छिड़क देंगे और उसके अंदर हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे बारीक करके। तो फ्रेंड यहाँ पर खट्टा मीठा स्वाद आएगा हमारी नमकीन में। तो यहाँ पर अच्छे से मिला देंगे नमकीन को। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन से हमारी टेस्टी नमकीन बनके रेडी हुई, घर पर ही हमने रेडी की है।
आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, भुजिया नमकीन और चिप्स की। तो चलिए फिर से आऊँगी मैं एक आसान और नई रेसिपी लेकर, तब तक रेसिपी